सिंगरौली में एक स्पा सेंटर के मैनेजर का शव मिला है। माना जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर मैनेजर की हत्या की गई थी। वहीं एक अज्ञात वाहन ने गायों के झुंड को कुचल दिया। इस घटना में 8 गायों की मौत हो गई। सिंगरौली कोतवाली पुलिस क्षेत्र में अंजलि स्पा सेंटर संचालित है। स्पा सेंटर का मैनेजर सिकंदर रविदास नामक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है। पिछले कई दिनों से इस स्पा सेंटर में देह व्यापार किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। स्पा के मैनेजर का शव मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पैसे के लेन देन पर मैनेजर की हत्या की गई थी। सीएसपी पुन्नू सिंह परस्ते ने बताया कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। रात को हम लोग 9 बजे खाना खा के ऊपर गए सोने। इसके बाद हम लोग पता नहीं इधर क्या हुआ, फिर रात को सर लोग 4 बजे गए, तभी हम लोग दरवाजा खोले। इससे पहले पता नहीं था हम लोगों को नीचे क्या हो रहा है। सर लोग गए फिर वो लोग नहीं बताए, फिर हम लोग अपने से पानी भरने आ रहे थे नीचे, तब हम लोग देखे तब जाने। सिंगरौली के विंध्य नगर थाना क्षेत्र के तलगवा पुल के पास अज्ञात राखड़ वाहन ने 8 गायों को टक्कर मार दी। इन सभी 8 गायों की मौत हो गई है। इसके बाद लोगों का हुजूम लग गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस इलाके में आए दिन राखड़ वाहन बेतरतीब तरीके से चलते हैं, जिस कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। प्रशासन इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने में अब तक नाकाम साबित हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।